कैसे हैं डॉक्टर? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ। चलिए और सुनाइए डॉक्टर, आज तो आप बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे हैं। तो कत्ल शाम को 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे के बीच हुआ है? एग्जैक्टली। अच्छा, कातिल की एज क्या होगी डॉक्टर? मेरे ख्याल से 30 साल के आसपास होगी, लेकिन कत्ल करने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा डरावना है। ऐसा लग रहा है कि कई लोगों ने मिलकर उसे बड़ी बेरहमी के साथ किसी धारदार हथियार से मारा है। यू आर गेटिंग मी? ओह, ऐसा भी हो सकता है कि मारने वाला कोई बहुत बड़ा साइकोपैथ है। साइकोपैथ? किस आधार पर कह रहे हैं? कत्ल करते वक्त उसने अपना आपा खो दिया और डीपली इन्वॉल्व होकर पागलों की तरह उसे मारा। ये बताइए, इससे पहले भी ऐसे केस आपके पास आए हैं क्या? ये बहुत ही रेयर केस है, रिसेंट में मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा। हालांकि नॉर्थ हिस्से में ऐसे केस होते हैं। नॉर्थ की बात छोड़िए, साउथ में बताइए। हाँ, कुछ 10-15 साल पहले कंडलूर में कुछ ऐसे 10-15 केसेस सामने आए थे। उस केस के बारे में मुझे डिटेल्स मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए फाइल्स को ढूंढने के लिए। कोई बात नहीं डॉक्टर, लेकिन थोड़ा जल्दी की। श्योर, थैंक यू वेरी मच। वो बात ऐसी है कि उसने उससे पैसा मांगा था, उसने नहीं दिया, इसीलिए उसे मार डाला। हर जगह ऐसी ही चर्चा चल रही है। उस कातिल को अरेस्ट कर लिया, ऐसा पेपर में छपा है। अरे हाँ भाई, वो हत्या करने वाला पागल है, मर्डर करके वहीं पे बैठा था, तो पुलिस तो पकड़ेगी ही। बेचारी वो एक्ट्रेस, क्या कह रही हो तुम? अरे उसी के साथ में रहता था वो लड़का, क्या कहें, उसी ने दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी, क्या कर सकते हैं। उसे उस लवर का हीरोइन कह रहे हैं, इस पर भरोसा करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। योर ऑनर, जो मुजरिम कटघरे में खड़ा है, इसने एक बहुत ही मशहूर अभिनेत्री का बेरहमी के साथ खून किया है। पुलिस वालों ने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बहुत ही अच्छी तरह से एक्टिंग कर रहा है। पहले तो इस शख्स ने उस लड़की की हत्या की, अब ये सजा से बचने के लिए पागलपन का नाटक कर रहा है। एक्टिंग सिर्फ कलाकार कर पाते हैं बच्चे, वो तुम्हारे बस का नहीं है, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल के ऊपर हीरोइन के कत्ल का आरोप लगा है, लेकिन ये एक्टिंग कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, ये कानून के लिए बिना मतलब वाली बात है। एक्टिंग करने के लिए खूबियां चाहिए होती हैं, ये हमें भी पता है, वही तो इस न्यायालय के अंदर हर रोज देख रहे हैं ना। क्या कहा आपने? ये कत्ल किया या नहीं किया, ये इस बात को बोलने की हालत में है ही नहीं। अगर ये ऐसे ही एक्टिंग कर रहा है, तो इस बात का पता लगाने के लिए मैं मानसिक डॉक्टर को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। मिस्टर शिवा से कंसल्ट करने के बाद, ही इज अ पर्सन विथ मेंटल डिसऑर्डर, इट मींस मानसिक बीमारी, दिमाग का नहीं चलना, तरह तरह की बातें सोचना, किसी के बारे में कुछ भी ख्याल आना, और इसी वजह से इनकी ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट कब तक हो जाएगा? हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, 6 दिन या 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि ये ठीक हो जाएंगे। ऑर्डर, ऑर्डर। इनसे संबंधित जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो मैंने सबमिट की हैं। मेडिकल रिपोर्ट? ये व्यक्ति मानसिक बीमारी से जूझ रहा है, इसीलिए कोर्ट इसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाने का हुक्म सुनाती है। आगे की सुनवाई बाद में की जाएगी। ऑर्डर। मुझे पागल बोल रही है, तुझे जान से मारूंगा, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ क्या? आप आइए। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो मुझे, जब तक इसे जान से नहीं मार दूंगा चुप नहीं बैठूंगा, छोड़ो मुझे। Thank you.
कितनी बार मैं तुमसे पूछ रही हूँ पर जवाब नहीं दे रही हो। नहीं, मुझे उसका प्रपोजल ठीक नहीं लगा, छोड़ दो उसे। प्लीज राधा, सिर्फ एक बार, तुम मेरी प्यारी राधा हो ना। ना मतलब ना। हाँ बोले तो हाँ ही। तुम जिद मत करो, कभी मैंने तुम्हें अकेले कहीं भेजा है क्या? मैं कहाँ अकेले जा रही हूँ, 23 लड़के, 24 लड़कियाँ, 5 प्रोफेसर, टोटल 62 लोग हैं। अभी तुम्हारा टूर पर जाना जरूरी है तो कोई बात नहीं, मैं ले चलूंगी। तुम्हारे साथ? क्लासमेट के साथ जैसा होगा क्या माँ? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। नो, एक बार कहा ना, नहीं जाओगी मतलब नहीं। ठीक है, नहीं जाती हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, तुम मेरे साथ रहोगी। नहीं, तुम मेरी बात सुनो, मेरा यूएस कॉन्फ्रेंस में जाना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आई कांट मिस इट। बड़ी मुसीबत है, ये आएंगी नहीं और मुझे भी जाने नहीं दे रही, क्या मेरा मन नहीं होता जाने का? ये सारी दुनिया घूम सकती है और मैं घर पर बैठकर बोर होती रहूं। क्या मुसीबत है, छी, इनको भी एक हफ्ता घर पे बैठने के लिए कहना चाहिए, तब पता चलेगा इन्हें। ए, ठीक है जाओ। थैंक यू राधा, थैंक यू सो मच। उसके घर का एड्रेस बता।
आज के समाचार। विदेश गए हमारे प्रधानमंत्री देश वापस लौट आए हैं और उनका कहना है कि हमारे देश में कानून को सख्त बनाने की बहुत जरूरत है। छोटी बच्चियों की किडनैपिंग और उनके साथ रेप के किस्से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। उनका कहना है कि आजकल बच्चियां हमारे देश में बिल्कुल भी सेफ महसूस नहीं करती हैं, यहां तक के घर में भी नहीं। ये गंभीर मसला है। लड़कियों को अपने दोस्तों से, जान पहचान वालों से, यहां तक के रिश्तेदारों से भी बड़ा खतरा बना रहता है। उनका कहना है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के बाद आसानी से छोड़ देती है, कोई बड़े केस उन पर नहीं बनते हैं, इसीलिए उन्हें किसी बात का डर नहीं है, न कानून का न पुलिस का। फिलहाल एक सीरियल किलर सामने आया है, कहा जाता है कि वो मानसिक रूप से बीमार है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही कोई सबूत हाथ लगेगा वो उसे गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन पब्लिक को पुलिस से जवाब चाहिए। पब्लिक का कहना है कि आखिर कब तक। सर है क्या? हाँ? सर है क्या? कौन से सर? डायरेक्टर साहब, उनका ही घर है ना ये? ये डायरेक्टर का नहीं, डॉक्टर का घर है। कौन है ये? कंफ्यूज कर रही है। फ्लैट नंबर 36, MG रोड, गोरेगांव वेस्ट, यही है ना? एड्रेस तो बराबर है। तो फिर ये डॉक्टर का घर है? हाँ। मुझे उनसे मिलना है। तुम नहीं मिल सकते। क्यों? वो बाहर गई है। तो फिर कल कब मिल पाऊंगा? 2-3 दिन लगेंगे। कैसे हैं डॉक्टर? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ। चलिए और सुनाइए डॉक्टर, आज तो आप बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे हैं। तो कत्ल शाम को 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे के बीच हुआ है? एग्जैक्टली। अच्छा, कातिल की एज क्या होगी डॉक्टर? मेरे ख्याल से 30 साल के आसपास होगी, लेकिन कत्ल करने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा डरावना है। ऐसा लग रहा है कि कई लोगों ने मिलकर उसे बड़ी बेरहमी के साथ किसी धारदार हथियार से मारा है। यू आर गेटिंग मी? ओह, ऐसा भी हो सकता है कि मारने वाला कोई बहुत बड़ा साइकोपैथ है। साइकोपैथ? किस आधार पर कह रहे हैं? कत्ल करते वक्त उसने अपना आपा खो दिया और डीपली इन्वॉल्व होकर पागलों की तरह उसे मारा। ये बताइए, इससे पहले भी ऐसे केस आपके पास आए हैं क्या? ये बहुत ही रेयर केस है, रिसेंट में मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा। हालांकि नॉर्थ हिस्से में ऐसे केस होते हैं। नॉर्थ की बात छोड़िए, साउथ में बताइए। हाँ, कुछ 10-15 साल पहले कंडलूर में कुछ ऐसे 10-15 केसेस सामने आए थे। उस केस के बारे में मुझे डिटेल्स मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए फाइल्स को ढूंढने के लिए। कोई बात नहीं डॉक्टर, लेकिन थोड़ा जल्दी की। श्योर। थैंक यू वेरी मच। Thank you.
समझ में नहीं आता क्या चांदनी क्या कहा तुमने क्या ऐसी बातों पे नाराज हो रही हो मैंने तो रिस्पेक्ट दी तुम मुझसे छोटी हो फिर भी मैं तुमसे बदतमीजी से बात थोड़ी ना कर सकता हूँ क्या मतलब वो तुम्हारा नाम पता नहीं था ना इसलिए चांदनी बोल के प्यार से बुलाया यहाँ कोई डायरेक्टर नहीं रहता बोला ना तुमने तो बोल दिया चांदनी लेकिन मैं चला जाऊँ क्या चलो वो सब बात छोड़ो समझ लो आप किसी से मिलना चाहते हो और वो भी आपका इंतजार कर रहा है लेकिन उसके घर जाने के बावजूद वो आपसे ना मिले तो क्या करना चाहिए बताओ कारण चाहे जो भी हो लेकिन मिलने के लिए इतनी दूर से आया हूँ आने के पहले बात कर चुका हूँ समय ले चुका हूँ इसके बावजूद अगर वो नहीं मिलेंगे तो तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए भगवान अरे वही 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 उनसे बात करने के लिए मेरे पास फोन नहीं है जल्दबाजी में वो भूल के आ गया उसके लिए सुनो ना दरवाजा खोलो ना चांदनी दरवाजा खोलोगी तो अंदर जाके एक फोन करके उनसे बात कर सकता हूँ ना मैं यहाँ कोई फोन नहीं है इतने बड़े घर में फोन नहीं है बोलोगी तो कोई यकीन करेगा क्या फोन रिपेयर चलो मान लिया एक ही कॉल करूंगा चाहो तो पैसे भी दे दूंगा ना दरवाजा खोलो मेरे पास कोई सेलफोन नहीं है क्या सेलफोन नहीं है महल से लेके झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के पास भी फोन होता है तुम बोल रही हो तुम्हारे पास फोन नहीं है क्या चांदनी पागल हो जैसी बातें मत करो फोन रिपेयर सेलफोन है लेकिन मैं आपको नहीं दे सकती आपको फोन करना है तो एसटीडी बूथ से जाकर करिए इसके आगे मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती क्या सर सच बोलो तो आप मार रहे हो बहुत हीरोगिरी दिखा रहा था अब बोल जल्दी से बोल सर मार क्यों रहे हे अब तुझे क्या चलेगी चल चल बोल बोल जल्दी बोल सर बोल दे जल्दी से बोल दे पता नहीं सर, बोल, सर, बता सर क्यों बे दिन भर में कितना कमाता है 150 रुपया सर 150 रुपए लेकर तू कोर्ट में जाएगा हा? नहीं जाऊंगा सर और वहाँ गवाही देगा नहीं दूंगा सर तेरे परिवार वाले हैं कि नहीं है ना सर इधर आ हेलो हाँ सर मैंने बराबर सीधा कर दिया फिक्र मत कीजिए सर मैं देखता हूँ अरे कैसे जा सकता हूँ इतनी बारिश हो रही है छाता भी नहीं लाया नो रेन को ठंड लग रही है कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ और आप बोल रही हैं यहाँ से चला जाऊँ अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ हाँ क्या करूँ बोलो वैसे ही मैं भी परेशान हो रहा हूँ तुम यहाँ से जाओगे या नहीं कैसी बात करती हो इतनी बारिश हो रही है छाता भी नहीं लाया Stop it. हूं। क्या है आप ही ने तो रुकने के लिए बोला इसीलिए सब कुछ रोक दिया ये देखो तुम जिस घर को ढूंढ रहे हो ये वो घर नहीं है चलो मान लिया लेकिन मैं यहाँ से जा नहीं सकता क्यों कैसे चला जाऊँ इतनी बारिश हो रही है छाता भी नहीं लाया रेनकोट भी नहीं शरीर कहाँ पर आया है तुम्हें अभी चाहिए क्या थोड़ा दरवाजा खोलो मैं पूरा अंदर आ जाऊंगा हाँ?
दरवाजे के लिए बोल रहा हूँ, अंदर आके एक साइड खड़ा हो जाऊंगा। वो पानी सर पे गिर रहा है ना, तो खुजली हो रही है सर में, ऊपर से साइनस भी है मुझे, अगर भीग जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझी ना? प्लीज 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 दरवाजा खोलो ना, प्लीज। नो, नहीं चलेगा। क्यों 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 नहीं चलेगा? ऊपर सर सो रहे हैं। अरे ये तो अच्छी बात है, उन्हें उठा दो, उनसे बात कर लेता हूँ। अभी नहीं उठा सकती उन्हें। ये बीच में शैतान के जैसी बच्ची। ए, ज्यादा बकवास थी तो पुलिस को फोन कर दूंगी। हाँ करो, किसी को भी करो, चाहो तो अमिताभ बच्चन को कॉल करो, या शाहरुख खान को कॉल करो, या फिर मेरे फेवरेट सलमान को करो, इसको करो उसको करो चाहे जिसे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डॉक्टर के घर है या डायरेक्टर का घर है, उन्हीं से पूछ लो। पागल कहीं का। मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। चांदनी, मैं आया हूँ, तुमने उन्हें बताया क्या? अच्छा एक काम करो, ऊपर जाके बोलो कि शिवा वेट कर रहा है। पागल हो गए तुम, समझ में नहीं आता तुम्हें, कहा ना मैंने तुमसे सर सो रहे हैं। सर तो कब के जाग गए चांदनी? कौन सा सर? तुमने बोला ना कि सर सो रहे हैं, लेकिन सर ऊपर बालकनी में वॉकिंग कर रहे हैं। क्या कहा, जाग गए हैं? पर कौन कौन? अरे सर। कौन सर? ऊपर कोई सर नहीं है। ऊपर कोई नहीं है? तुम्ही ने तो बोला था कि सर ऊपर सो रहे हैं। वो तो मैंने झूठ बोला था। झूठ बोला था? क्या बोल रही हो तुम? तो फिर ऊपर जो चल रहा है वो कौन है? क्या हुआ क्या हुआ? ऊपर 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 क्या हुआ? ऊपर से क्या टूटने की आवाज आ रही है? शायद कोई खिड़की तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। फॉलो मी। सुनो तो, डरो मत, कम ऑन जल्दी आओ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कौन था ऊपर? कोई नहीं। जब कोई नहीं था तो झगड़ा किससे कर रहे थे? कुछ नहीं चांदनी, कोई ऊपर होता तो उसे किस तरह से मारता, ऐसा एक रिहर्सल करके देख रहा था। कोई ऊपर चल रहा है, तुमने ऐसा कहा था। वो तो ऐसे ही बोला था चांदनी, ऊपर खिड़की हिल रही थी तो लगा कि कोई ऊपर चल रहा है, तुम भी बार बार दरवाजा बंद कर दे रही थी तो मुझे लगा ऊपर कोई होगा, इसलिए ऐसा बोल दिया तुमको, और कोई बात नहीं। तुमने कहा था उस समय, तुम्हें दिखाई दिया। बोला वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। देखो क्या होता है, कभी कभी कोई चीज होती है लेकिन दिखती नहीं है, कुछ दिखती नहीं है पर होती है। क्यों कहा था? तुमने भी तो कहा था ना चांदनी, सर घर पे है, बोला था या नहीं? वैसा ही मैंने भी बोल दिया। तुमने झूठ बोला था क्या? बिल्कुल सही समझा चांदनी। पर वो आवाज कहाँ से आई? जो आवाज आई वो खिड़की टूटने की थी, घर के अंदर घुसने के लिए बहुत कोशिश की मैंने लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। इसलिए मैंने दिमाग लगाया। आइए सर। सॉरी आपको ज्यादा वेट करना पड़ा। जब जरूरत पड़ती है वेट करना ही पड़ता है डॉक्टर। क्या लेंगे आप, ठंडा या गर्म? मुझे ठंडा करना बहुत मुश्किल होगा डॉक्टर। एनीवेज थैंक यू वेरी मच। ये एक रेप केस है, काफी ढूंढने के बाद मुझे ये फाइल मिली। क्या हुआ डॉक्टर, ऐसे देख रहे हो जैसे बैग में नोटों की गड्डी होगी? गड्डी तो है लेकिन फाइलों की गड्डी है, ये लीजिए। गौर से पढ़िए, दोनों ही कत्ल एक ही दिन में और एक ही गांव में हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ताजुब यह है कि दोनों ही केसेस में बॉडी का पोस्टमार्टम आप ही ने किया है ना डॉक्टर? क्या हुआ डॉक्टर, आप मेरे सवालों का जवाब न देकर पसीना पोंछ रहे हैं जबकि एसी भी चल रहा है। दरअसल मैं वहां गया था और फिर मैं। डॉक्टर आप कहीं भी जाओ कहीं भी आओ, लेकिन एक बात तो कंफर्म हो चुकी है। क्या? इन दोनों ही मामलों में कातिल एक ही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता डॉक्टर, बिल्कुल हो सकता है, कंफर्म। क्योंकि आप ही ने तो कहा था कि दोनों कत्ल में काफी समानता है, कातिल ने आंखों पर ही वार करके कत्ल किया है। आप चश्मा पहन लीजिए। थैंक यू। एनीवेज थैंक यू वेरी मच। आप हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कई सारे केसेस के पोस्टमार्टम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहना क्या चाहते हैं? वो आपको जल्दी पता लग जाएगा। एक्सक्यूज मी, सिगरेट? ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं। आई एम सॉरी, मैं बाहर जाके पीता हूँ।
एनीवेज मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगा। थैंक यू। थैंक यू। ए, उठो, पहले बाहर जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है, समझे? क्या बोला? बाहर चला जाऊं? इतनी मेहनत करके घर के अंदर घुसा, और तुमने ही तो कहा था ना कि मुझे डर लग रहा है, देखो ना कौन है। जब डर खत्म हो गया तो जाने को बोल रही हो। लेकिन मेरा काम तो अभी हुआ ही नहीं। इससे पहले मुझे गुस्सा आए तुम बाहर निकल जाओ। नहीं गया तो क्या करोगी? हाँ, क्या करोगी? अकेली लड़की देख के फायदा उठा रहे हो? तुम्हें लग रहा है कि मैं फायदा उठा रहा हूँ? क्या बकबक कर रहे हो? इज्जत से बाहर जाओ। चिल्ला क्यों रही हो? अगर मेरे सामने चिल्लाई ना। डर गई क्या? मुझे टावल मिलेगा क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं इससे ही काम चला लेता हूँ। अब बहुत हो गया। हाँ? सब लोग मेरे बारे में यही बोलते हैं। अगर मैंने कुछ ठान लिया थोड़ा ओवर हो जाता हूँ। एक सैंपल पेश करूँ क्या? ओ, टाइमिंग मिस हो गई। ब्लड ब्लड ब्लड, खून खून खून, देखो देखो खून, देखो खून खून। बहुत थक गया, कॉफी मिलेगी क्या? सर, क्या हुआ? एसीपी मानिक जी ने ये फाइल आपको देने के लिए बोला है। एसीपी मानिक कहाँ है? वो तो कडलूर गए हैं सर। क्यों? इस केस की डिटेल्स को चेक करने के लिए कडलूर गए हैं सर। यू कैन गो नाउ। इस चाकू को देखकर? चाकू कभी देखा नहीं क्या? इस चाकू से दूध की थैली काट सकते हैं, सब्जी काट सकते हैं, और तुम्हारा गला भी काट सकते हैं। तुम्हें कॉफी बनाना आता है क्या? मुझे बनाना आता है। तुम कैसे कॉफी बनाती हो? मुझे देखना है। कहा ना तुमसे, तुम जाओ। मैं देखता हूँ, बोला ना। अरे जाओ यहाँ से। सर, अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगता है कि यह गलत है तो फिर उसे नहीं करना चाहिए। समझदार ऐसा नहीं करते। अंडरस्टैंड? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर मानिक, क्या बात है, इतनी जल्दी यहाँ आ गए? वो आपको अरेस्ट करने, सॉरी सर, आपको हैरेस करने आया था सर। हैरस करना था तो ऑफिस में भी कर सकते थे ना? आ सकता था सर, लेकिन मैंने सोचा कि आप वहाँ बिजी रहते हैं तो तो फिर आराम से बैठकर बात कर रिलैक्स करने वाली कोई बात नहीं है सर, हम लोग खेलते हुए भी बात कर सकते हैं। ऐसी बात है क्या? हाँ। Are you sure? चलिए देखते। सुनो बेटी, जरा मुझे रैकेट दोगी? आप अच्छा खेलते हैं क्या अंकल? अब आपके तरह तो नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन फिर भी अपने लेवल में मैं खेल लेता हूँ। हाँ सर, मैंने सुना है कि एक्स मिनिस्टर वाले केस से आप मुझे हटाना चाहते हैं। आपको ये केस खत्म नहीं करना है क्या? इस केस में आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। पर सर, मैं हर केस को अपने तरीके से डील करता हूँ, आप तो ये जानते हैं। आपके जज्बातों की वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए मिस्टर मानिक। वो बस एक वीआईपी नहीं, एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी डॉक्टर भी है। वो साइकोलॉजी की डॉक्टर होगी सर, लेकिन मैं भी साइकोलॉजी का पेशेंट हूँ। कोई भी हो, मुझसे बच नहीं सकता सर, क्योंकि मैं गुनहगार को छोड़ता नहीं, आप तो जानते हैं सर। ये मेरी मेंटेलिटी है सर। आपके काम करने के इस तरीके से कानून में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा फैसला लिया। सिर्फ कानून को ही नहीं सर, आपको भी कोई दिक्कत ना आने पाए, ऐसी मेरी सोच है सर।
अब आगे क्या होगा क्या नहीं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं सर, और मुझे भी पता है, सो डोंट वरी सर, जो हो रहा है होने दीजिए। श्योर शॉट। हे, सोच रहे हो निशाना चुक गया? निशाना लगाया ही नहीं अभी तक। हे, कहाँ भाग रही हो? सर बीच में मत बोलो, कोई भी अजनबी आएगा और आप दरवाजा खोल देंगी, फिर बाद में सब ये बोलते हैं कि पुलिस हमेशा देर से पहुंचती है। पढ़ी लिखी है ना आप, जरा भी अकल नहीं है आपको? हाँ, पेपर्स में न्यूज में आए दिन आता है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको तो टीवी में सिर्फ सीरियल देखकर टाइम पास करने से मतलब है। अब मेरे सामने बीच में कुछ बोलना मत, समझ गई आप? चल बोल, चाकू लेकर अंदर क्यों आया? बोल सर, ये इस घर का ही चाकू है। ओ, इसके घर का चाकू लेकर इसका ही खून करना चाहता है तू? सर, मैं तो एक्टिंग करके दिखा रहा था। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। बोला ना आपको बीच में नहीं बोलना है, जाकर वहां कुर्सी पर बैठिए, जब तक पूछताछ खत्म ना हो जाए उठेगा नहीं, जाइए। अब खड़ी क्यों है यहां पर? क्या बोला तूने? एक्टिंग करके दिखा रहा था? हाँ सर। दूंगा एक कान के नीचे, मुझे उल्लू बना रहा है तू? डॉक्टर के घर को डायरेक्टर का घर बोल करके एक्टिंग करने का ड्रामा कर रहा है, वो भी लेडी डॉक्टर के साथ? सर, डॉक्टर का घर नहीं है सर, डायरेक्टर का घर है सर। सर, hey, बोलने से मना किया ना तुम्हें? अगर तुमने दोबारा बोला तो गोली मार दूंगा। hey, सीधे से बैठ। अब सीधे पॉइंट पर आ, डायरेक्टर से मिलने तू आया था तो चाकू लेकर लड़की के पीछे क्यों पड़ा? क्या सर, एक ही बात कितनी बार बताऊं, एक्टिंग करके उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। इंप्रेस कर रहा था? हाँ। लेकिन डायरेक्टर की जगह लड़की को इंप्रेस क्यों कर रहा था तू? अरे क्या सर, कैसी बातें कर रहे हैं, ये उसकी बेटी है, इधर आइए सर। अरे आइए ना सर, ये उसकी बेटी है, तो एक्टिंग करके इसे इंप्रेस कर लूंगा। मेरी तो मुझे नकली पुलिस समझता है क्या, जो ये फालतू की कहानियां सुना रहा है? सच सच बता वरना मुंह तोड़ दूंगा। क्या सर, आप भी ना? बैठे रहे। तू यहाँ किस लिए आया मुझे पता है, तू झूठ बोलकर घर के अंदर घुस गया, फिर लड़की के सामने चाकू लेकर ड्रामा कर रहा था ताकि उसका दिल जीत कर उसे गुमराह करके सारा माल लेकर यहां से निकल जाए, है ना? और अगर वो तेरी बात नहीं मानती तो तू उसे मार देता है? अब ये बता, जो लोग तेरे साथ आए थे वो कहां हैं? क्या सर, क्या क्या बोले जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। तेरी समझ में कैसे आएगा सर, असल में मैं चांस मांगने आया था। अच्छी एक्टिंग कर रहा है तू, डॉक्टर का घर है तो खुद को मरीज बताने का, वकील के घर में केस का बहाना बताने का, और डायरेक्टर के घर में एक्टिंग का बहाना बताने का। सर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, पहले मैं मेंटल हॉस्पिटल में ही था, वापस मुझे वहां मत भेज देना सर। क्या बोला, पागल है? अभी नहीं सर, पहले। ओहो, तू पागल खाने से भाग के यहाँ पर आया है? सर भाग कर नहीं आया, उन लोगों ने ही छोड़ दिया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पहले उठ जल्दी। कैसी बातें कर रहे हैं, मैं अच्छा आदमी सर? चलिए बैठ यहाँ पर, बैठ सर। क्या, चुपचाप बैठ जा। सर बार बार पागल मत बोलिए, मैं अच्छा हो गया हूँ सर, आप भी ना। hey, तुम देख क्या रही हो मुझे, जाकर मेडिकल हॉस्पिटल में फोन करो। सर मेरी बात तो सुनिए सर, अभी मैं ठीक हो गया हूँ सर। hey,
दुनिया में कौन सा पागल अपने आप को पागल बोलता है? ज्यादा होशियार मत बन। बिल्कुल सर, वही तो मैं कह रहा हूं, मैं भी ठीक हूं। मैंने कहा चुप रह, मेरी बोलना चुप रह। ए सर, चुप सर, देख क्या रही हो, फोन लगा कि नहीं? फोन काम नहीं कर रहा। जल्दी से रस्सी लेकर आओ, जल्दी जाओ। इसे। आज शाम को बड़े वाले मैदान के अंदर सिल्क, स्मिता और रंभा का डांस होगा। जिसको देखना हो वो आ सकता है। तो अब क्या करें? जैसे तुम यहाँ स्कूल के अंदर क्लासरूम में नाचती हो, वैसे तुम वहाँ स्टेज पर नाच पाओगी क्या? मुझे ये बताओ, तुम नाचना चाहती हो और उसके बाद सिनेमा में भर्ती होना चाहती हो, फिर तुम स्टार बनना भी चाहती हो। ये सब इतना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने मैगजीन में पढ़ा है, मुझे सब कुछ पता है। समझ में आया क्या? वो एल्ली रंभा है। तुझे कुछ नहीं पता है, मुझे सब कुछ पता है। पहले वो गलियों में नाचती थी, फिर उसने नाम बदलकर पब्लिक में नाचना शुरू कर दिया और उसके बाद उसकी किस्मत बदल गई। आज वो डिमांड में है, समझी? हर टीवी में वो ही दिखाई देती है। देखो ना, मुझे भी टीवी पर नाचना है। जा मामा के लिए 5 सुपारी लेकर जा। मैं तुम्हें किस लेवल की समझता था। तुम किसी काम की नहीं हो। मुझे भी नाचने क्या करना होगा? तू स्टेज पे नाचेगी क्या? ओके। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ थोड़ी ही देर में अपनी प्यारी हीरोइन, धरती की रानी, सबकी चहेती, सबके दिलों की धड़कन, सबकी आंखों की रौनक रंभा नाचने आने वाली है। किसी को कुछ बोलना मत, समझा? अगर मैंने तुझे उन लड़कों के साथ फिर देखा तो मैं तुझे जिंदा काटूंगा। तनु, तनु, मामा, तनु को क्या हो गया? सब तेरी वजह से हुआ है। कहता है छोटी बच्ची है, घर में नाची, स्कूल में नाची, अब बाहर जाके स्टेज पे नाच रही है। गांव वालों के सामने क्या इज्जत रह गई मेरी? ऐसे छोटे कपड़ों में नाच कर इसने मेरी नाक कटवा दी है। तू कहता है कि छोटी बच्ची है ये, इसने मुझे कहीं का नहीं रखा। हे भगवान, मामा, मैं तो इसकी जान ले लूंगा। मामा छोड़ दीजिए, मामा उसे छोड़ दीजिए। मामा नहीं छोड़ूंगा, नहीं मामा, छोड़ो मुझे। मामा सब तेरी गलती है, तूने ही इसे सर पे चढ़ाया है। ये बच्ची है कहकर इसे बिगाड़ दिया है। इस बार छोड़ दीजिए मामा, मैं उसे समझा दूंगा। मामा मैं तेरी कुछ नहीं सुनूंगा, इसकी वजह से मेरी और बदनामी हो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। बाबा चुप रह, मर गया तेरा बाबा। रो मत तनु। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। इसकी शादी करानी ही पड़ेगी, और अगर इसने जरा भी ना नुकुर किया ना तो मैं इसकी जान लेकर रहूंगा। तो चल मेरे साथ आ, अगर तू यहाँ रहा तुम तो तू मुझे और बिगाड़ेगा। चल मेरे साथ चल। तनु ये जहरीला फल है, जहर की बोतल है, रस्सी है, ये ले घासलेट। अगर ये सब नहीं जमेगा ना तो बाजू में कुआं भी है। क्या सोच रही हो तुम? चाहे तुम आत्महत्या कर लो या अपने मामा के साथ शादी, दोनों एक ही बात है। इन मुश्किलों के बीच से तुझे और हमें जीत कर दिखाना है। माँ बाप की बात सुनने वाले बच्चे क्या करते हैं? बस थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं और फिर डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं और अपनी जिंदगी पूरी बर्बाद करते हैं। लेकिन तेरे अंदर टैलेंट है। हाँ, ऐसे लोगों के बीच रहकर भी हमें जीतना है, कुछ बनना है। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। अगर ऐसे ही नहीं सोचेंगे तो फिर देश को कैसे संभालेंगे, भविष्य कैसे बनेगा? वो बाबा है मेरे,
मैं क्या कर सकती हूँ? बाप हुआ तो क्या हो गया, कुछ भी करेगा क्या तुम्हारे साथ? तुम्हारा भी जीवन है, तुम्हें भी अपने हिसाब से जीने का हक है। शेर तो शिकार करेगा ही, कबूतर तो उड़ेगा ही। एक बार हिम्मत करके कदम बढ़ाओ, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम उठो, अपने आंसू पोंछ लो और थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, सब ठीक हो जाएगा। जो लोग कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। देखना तू भी एक दिन बहुत कामयाब होगी। हाँ ये तो मेरे फेवरेट सीरियल का डायलॉग है। सही कहा, सही कहा। तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी करवा के तुम्हारी कहानी को यहीं खत्म कर देना चाहता है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? बाबा ने ही शादी के लिए हाँ कह दिया, मैं क्या करूँ? तेरे बाप ने कहा है ना, उससे क्या होता। चलो उठ। चश्मा पहन लिया तो डायरेक्टर हो गया क्या? मेरे घर में कोई परेशानी थी जिस वजह से मैं दो दिन आ नहीं पाया। उस बीच में तुझे शूटिंग देखने के लिए कहा तो अपने आप को डायरेक्टर समझ लिया? साफ गड़बड़ कर दिया तूने। तूने कहा था ना कि सर आपकी ज्यादा उम्र हो गई है, सीनियर हो गए हो, यूथ के लिए आ जाइए सर। ये यूथ का लक्षण है क्या? ये यूथ की शक्ल है क्या? इस शक्ल को यूथ कह सकते हो क्या? किसी भी नौजवान को ये शक्ल पसंद आएगी क्या? पहले ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब मेरे बारे में अलग ही बातें कर रहे हैं। तुम्हें होशियार रहना चाहिए। अरे भेजने का इस्तेमाल करो। सर वो क्या है कि ये कहानी में ठीक रहेगा? अरे क्या ठीक है क्या नहीं, अब इसका फैसला भी तू ही लेगा क्या है? अरे बाप रे, जरा अपनी नजर उधर घुमा के तो देख, वो लड़की अभी तक वहीं रुकी हुई है। पहले उसे बाहर भेजो, भेजो जल्दी उसे, नहीं तो तुझे बाहर भेज दूंगा मैं। प्रोडक्शन सिगरेट लाया सर। जाओ। सर सर कौन है तू, बाहर निकल। मैं कौन हूँ? डायरेक्टर का फ्रेंड हूँ। क्या कहा? डायरेक्टर का फ्रेंड है? मैं ही डायरेक्टर हूँ। मुझे नहीं पता है क्या, मेरे गांव का लड़का है, बड़ा डायरेक्टर है, वो उधर जो दिख रहा है ना, टोपी पहना हुआ। हाँ चलो चलो सब लोग चलो चलो। ए चंद्रन सर। हाँ आ रहा हूँ सर। क्या हुआ सर? सर सर वो मैं उनको सीन समझा रहा था। उन लोगों के लिए नहीं मारा, इसके लिए मैंने मारा। यो बे तू ही इस फिल्म का डायरेक्टर है, यही कहा था ना तूने? ऐसा है तो एक काम करो, अब ये फिल्म तुम ही डायरेक्ट करोगे। अरे सर ये गांव वाले हैं, इनको मेन डायरेक्टर के बारे में नहीं पता, जो समझाता है उसी को डायरेक्टर समझते हैं। गांव वाला इधर क्यों आया? वो बीज बोकर खेती करने वाला है क्या? ऐसी बात नहीं है सर, एक नई लड़की आई है, उससे एक्टिंग करवानी थी, आपसे मिलवाऊं क्या? लड़की को देखा है क्या? मैंने बचपन में देखा था सर। खूबसूरत दिखती है क्या? मेरे मामा की लड़की आई है, आप उसे एक बार देखो ना सर। स्टार्ट साउंड क्लैपिंग 5 4 टेक 1। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं क्यों नहीं आ सकता यहाँ? आप बाहर चले जाइए, अगर किसी ने देखा तो मेरी बदनामी हो जाएगी। क्या बदनामी हो जाएगी? देखिए मेरी बात समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। आप सुबह घर आइए, हम बैठकर बात कर सकते हैं। अभी यहाँ से चले जाइए, प्लीज चले जाइए। अच्छी एक्टिंग करती हो तुम, तेरे लिए मैं अपना गांव छोड़ के आ गया और तू मुझे यहाँ आके अपनी कहानी सुना रही है। अब मेरा फैसला क्या है वो सुन। कैसा फैसला? गांव जा रहे हैं क्या? बहुत अच्छी बात है। कितने पैसे चाहिए? 5 लाख हो जाएंगे या 10 लाख? कितने चाहिए बोलिए ना, मैं दे दूंगी। जाकर क्या करना चाहते? खेती करेंगी, किसान बनेंगी। बहुत अच्छा फैसला किया है आपने, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाइए। मैं मैनेजर से कह देती हूँ, वो सुबह गाड़ी भेज देगा, आपको छोड़ देंगे। कहती हूँ ना आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तू तो बहुत मतलबी है यार। शट अप, आप जैसा सोचते हैं मैं नहीं सोचती। मुझे यहाँ रहना है, पैसे कमाने हैं और कुछ नहीं। अगर आपसे शादी कर दी तो क्या होता बताइए? इतने पैसे मिलते, गाड़ी मिलती, कुछ नहीं मिलता मुझे। मैं आपकी तरह नहीं रहना चाहती। क्या बोला तूने? तुम ठीक हो? कौन है ये? पता नहीं कौन है, पागल लगता है। जान से मार दूंगा मैं। चलो यहाँ से, बाहर निकल दो इसे। छोड़ूंगा नहीं तुझे। चल यहाँ से। पागल लगता है। पता नहीं कौन है, पागल लगता है, पागल लगता है। एक ही फिल्म में काम करना चाहती हूँ, उसके बाद आप जैसा कहेंगे ना मैं वैसा ही करूंगी। उस लड़की को मैं अपने गांव से लेकर के आया था, मेरा इस्तेमाल करके उसने मुझे ही छोड़ दिया। मामा ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने खुदकुशी कर ली। मेरा एक ही सगा संबंधी था,
वो थे मेरे मामा। उसने मुझे बदनाम किया और मेरे मामा की मौत का कारण भी बनी। इसलिए गुस्से में आकर मैं उसका कत्ल करने गया था, लेकिन मैं उसे मार नहीं पाया क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। इसलिए मुझे बहुत पछतावा होने लगा, लेकिन किसी ने पीछे से आके उसका कत्ल कर दिया। खून से लथपथ उसे देखकर मैं पागल हो गया, और तो और कत्ल का इल्जाम मेरे ऊपर आ गया। बाद में पता चला कि उसका असली कातिल उसका मैनेजर ही था। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। नमस्ते डॉक्टर। आइए शिवा, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ। बैठो। आपने जो मेरी मदद की मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा डॉक्टर। That's all right. You take care. शुक्रिया डॉक्टर। पहले से काफी अच्छे लग रहे हैं। हेल्थ वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके केस के बारे में कोर्ट से जजमेंट भी आ चुका है। कारण तो आप ही है ना डॉक्टर? आपने कहा था कि आप गांव नहीं जाना चाहते, तो यहाँ से निकल कर क्या करेंगे? शिवा, जिंदगी हमें एक ही बार मिलती है, उसे खुशी से जीना चाहिए। किसी के पीछे बर्बाद क्यों कर रहे हो? किसी ने धोखा दिया, किसी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, ये सब सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। सारी बातें भूल जाओ। नहीं डॉक्टर, भूल नहीं पा रहा हूँ। जो थोड़ा सा भरोसा आया है वो भी आपकी वजह से। गुड, इस भरोसे को बनाए रखना, ठीक है? इसी भरोसे तुम जिंदा रह पाओगे। हमारी जिंदगी किसी और के हाथों में नहीं होती। ट्राई करके तो देखिए, आप भी एक बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं। सच में डॉक्टर, आपको ऐसा लगता है? आप उस लड़की को किसके भरोसे यहाँ लेकर आए थे? खुद पर विश्वास था ना आपको? खुद के लिए भी उस विश्वास को बनाए रखिए। मैं ये कर सकता हूँ, इंसान अगर एक बार ये सोच ले तो वो जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। मैं समझ गया डॉक्टर। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। नमस्ते। चलता हूँ। आजा आजा। चल बता, उसका पता बता, पता। एमजी रोड, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई 95। कट 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 कट, सुपर सुपर भाई। ए, सेव करे से, सेव करे से। वाह, क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया भाई। बहुत बहुत थैंक्स, मजा आ गया। तूने एकदम ओरिजिनल मेंटल की तरह एक्टिंग की है। मैं ओरिजिनल मेंटल ही हूँ सर। क्या बोल रहे हो भाई? सर अभी नहीं सर, मेरे मामा की बेटी को एक्टिंग करने का शौक था सर। मैंने बहुत मेहनत करके उसे बड़ा स्टार बनाया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया सर। अरे अरे, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। ठीक है, सब छोड़, लाइफ में ऐसा सब होता रहता है। अब हम एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म बनाने वाले हैं। सच में? ठीक सर? है ना, तुम उसमें एक रनिंग रोल कर रहे हो सर। ठीक है। बहुत बहुत थैंक्स सर। ओके ओके, कल संडे है, मैं घर में फ्री रहूंगा। मेरे घर में कल तू आ रहा है, उस कहानी के बारे में दोनों मिलकर डिस्कस करते हैं। हाँ हाँ, करेंगे सर, करेंगे सर। ओके, एड्रेस पता है ना? नहीं सर, पता नहीं है सर। नंबर 36 एमजी रोड, मैं कल इंतजार करूंगा। ओके, थैंक यू सर। तुम बहुत आगे बढ़ोगे। ठीक है, कल आ जाना। ओके। मैंने कहा था ना सर कि मैं अभी बिल्कुल ठीक हूं। तू अच्छा है ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं कैसा हूं ये नहीं पता। अरे तेरी तो इसे कहते हैं साइकिल के गैप में से बस को निकाल देना। क्या सोच रहा है तू, पुलिस वाला एकदम से गुंडा कैसे बन गया? गुंडा इतनी देर से पुलिस वाला बना हुआ था, अब ये डायरेक्टर का घर है या डॉक्टर का घर है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने काम से मतलब है। लड़की खूबसूरत है और हसीन है, मुझे तो बस उसके साथ। नहीं नहीं, वो लड़की कौन है तुझे पता नहीं है? ये तो और भी अच्छी बात है। हे, कहाँ जा रहा है? देख वो लड़की मासूम है। हे, रुक जा। हे, तू क्या करने जा रहा है? हे, देख मेरी बात सुन। मुंह बंद कर। कोई भी काम करो सफाई के साथ करो, समझ गया? बेवकूफ कहीं का। हट। तू कितना भी चिल्लाएगा तेरी आवाज बाहर नहीं जाने वाली।
अब मैं टीवी ऑन करने वाला हूँ, मजे से पिक्चर देखना, समझ गया? एंजॉय कर। What the hell? ड्राइवर, गाड़ी निकालो। ऐसे कैसे? जब तक मैं नहीं कहता ये गाड़ी नहीं जाएगी। आप मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। What do you mean? I mean, you are under arrest. आपका नाम? डॉक्टर राधा। कितने सालों से डॉक्टर का काम कर रही हैं? 15 सालों से। तुम्हारे पति क्या करते हैं? मैंने शादी नहीं की। क्यों? प्लीज मेरी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी मत कीजिए। ये इस केस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है योर ऑनर। इनको इस सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। प्लीज आंसर द क्वेश्चन। तो बोलिए, शादी क्यों नहीं की आपने? मुझे नहीं करनी थी। नहीं, ये सरासर झूठ बोल रही हैं आप। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त इस केस को बिना जाने समझे किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं ऑनर, इस केस के बारे में सही पता लगाकर केस को आगे बढ़ा रहा हूं। तो बताइए, बचपन में आपको धोखा मिला है कि नहीं? योर ऑनर, ये इस केस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने घर के काम के लिए कोई मर्द रखा है क्या? नहीं। कमाल की बात है, आप इतनी बड़ी सक्सेसफुल बिजी डॉक्टर हो और काम के लिए किसी को नहीं रखा। जरूरी नहीं समझा। अभी जरूरी नहीं लगा कि कभी भी जरूरी नहीं लगा? पहले था। कब? कब डॉक्टर? 15 साल पहले। तो फिर ऐसा है तो अभी जिंदा है या मर गया है, या फिर आपके टॉर्चर से परेशान होकर आपको छोड़कर भाग गया था? आपके घर वाले थे तभी की बात है ना? Am I correct? Your Honor, अब वकील साहब अपनी सीमा से आगे बढ़ रहे हैं। मिस्टर देवराजन, मत भूलिए आप एक सीनियर। कहना चाहती हूँ। Yes, proceed. सरकारी वकील कहते हैं कि मैंने जुर्म किया है, मैंने हत्या की है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये बस अपने तजुर्बे से। तुम जाकर सो जाओ। माँ, बाबा। क्या हुआ बेटी? माँ, इस तरह बोर्ड को क्यों देख रही हो? हाँ, मेरे माँ बाबा आ रहे हैं। वो आएंगे, उन्हें आने में टाइम लगेगा। तुम अंदर चलो, चलकर सो जाओ। हाँ, उनके आने तक मैं यहीं बैठूंगी, तुम जाओ। यहाँ बैठोगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, और अगर तबीयत खराब हो गई तो? कुछ नहीं होगा मुझे, मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से यहीं आके बैठती हूँ। ये समुंदर है ना, वो मेरी कुल देवी है, ऐसा सब कहते हैं। हमें ये कुछ नहीं करेगी, अगर हम बीच समुंदर में भी गए ना तो भी ये हमें नहीं मारेगी, समझ गई ना? तू नहीं जाना चाहती? मुझे अपने माँ बाबा के पास ही रहना है, मैं नहीं जाऊंगी। इनको देखो, सारे बच्चे कितने खुशी से जा रहे हैं, तुम क्यों जिद कर रही हो? मैं नहीं जाऊंगी। तुम जाओगी तो वहाँ अच्छी देखभाल होगी, अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छा खाना मिलेगा, चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी सब भी तो बच्चे जा रहे हैं ना, वहाँ तुम पढ़ाई भी कर पाओगी। नहीं चाहिए मुझे। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? उसकी मर्जी नहीं है तो रहने दो। अरे क्यों भाई, उसे तकलीफ दे रहे हो? आप लोगों में से ही कोई लेकर जाओ। अगर ये बात है तो मैं लेकर जाता हूँ। हटो भाई। माँ जी जरा हटिए, देखिए मेरा कोई नहीं है, इस बच्ची को मैं लेकर जाता हूँ, अच्छा पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बनाऊंगा। आप कौन हैं? ये सब इसके सगे वाले हैं। इतने दिनों से ये कहाँ थे? मैंने सोचा था कि जब सरकार इसकी मदद कर रही है तो मैं बीच में क्यों पढ़ूं, मैं तो वैसे ही बहुत गरीब आदमी हूँ, लेकिन जब ये लड़की नहीं जाने की जिद कर रही है तो
मैं चुप कैसे रह सकता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इसे अपने पास ही रख लूँ। हाँ मैडम, ये उसका मामा ही लगता है। इनके साथ जाना चाहोगी मीरा? ठीक है, इन्हें लेकर जाओ। किसी भी तरह वो वहां से जाने के लिए तैयार हो गई। मीरा, खाना खा ली क्या? ये देख क्या लाया हूँ, बिरयानी लाया हूँ तेरे लिए। मीरा बेटी, तू सो गई क्या? मीरा, मीरा, ले बिरयानी खा, बिरयानी खा ले, खा ले, मुँह खोल, मुँह खोल, खा ले। मुझे नहीं चाहिए। ले ना, खा। छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए, छोड़िए, छोड़ो। कुछ नहीं होगा। छोड़िए ना, छोड़ो। अरे सोन। यस सर। गाड़ी को साइड में लगा के तू घर चला जा। ओके सर। किरण, थक तेरी की, मैं अपना सारा काम छोड़ के आया और तू यहां सोई पड़ी है। ए, बैठ जाओ सब लोग। तुम लोग क्यों ये सब धंधा करती हो? तुम्हें क्या लगता है अभी जवान हो क्या? हे, तुम्हें देख के कोई मूड में कैसे आ सकता है? क्या हुआ बेटा, तुझे यहाँ कौन लेकर आया है? तू फिक्र मत कर, हा? अंकल तुझे सुबह भेज देंगे। बैठो। ए, चलो उठ यहाँ से, चल जा उधर, चल जा, जा अंदर, चल, चल अंदर जा, चल अंदर, चुपचाप रह वरना बहुत मारूंगा। हट। तुम इधर आओ बेटी। क्या कर रहे हो साहब? सब नहीं, मत कहिए साहब। साहब नहीं, सब। अरे बहुत छोटी बच्ची है। तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अंकल है ना? बैठो, बैठो। सब छोड़ो, क्या कर रहे हो साहब? साहब ये क्या कर रहे हो साहब? साहब वो बच्ची है साहब। कुछ नहीं होगा बेटी, तुम्हें चॉकलेट ला के दूंगा, आइसक्रीम खिलाऊंगा। मैं जो बोलता हूँ उसे मान जाओ, है ना? मीरा, मीरा,
मीरा, मीरा, मीरा, मीरा, मीरा, मीरा, उठो मीरा, मेरी तरफ देखो। बार बार इस तरह की परेशानी झेलकर वो मानसिक तौर से बीमार हो गई। उसे किसके भरोसे छोड़ूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो लड़की परेशान थी, मुझसे देखा नहीं जा रहा था। उस वक्त मेरे साथ काम करने वाली नर्स ने मुझे एक रास्ता बताया। उसके हिसाब से मैं उस लड़की को गोद ले सकती थी। धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। सब अच्छे से चल रहा था। वो एक साइको है, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बस यही सोचकर मैं चुप रही। अब बताइए मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आपका समाज क्या कर रहा था? कहां था आपका समाज? अभी अभी कुछ देर पहले आप मर्दों की तरफदारी कर रहे थे ना? योन, इस देश में हर दिन पेपर में खबरें छपती हैं छोटी बच्ची के साथ बलात्कार। ये भाई, वो देख क्या मस्त लग रही है। सभी को आंखों में ही वार करके मारा गया। एक और खास बात है कि मरने वाले सभी विक्टिम मर्द हैं और सभी के सभी जवान हैं। सो इसी को क्लू बनाकर मैं 10 साल पहले जितने भी मर्डर हुए थे उनके बारे में मैंने स्टडी करके ही अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाया और केस सॉल्व किया। मर्डर के पीछे जो मेन मोटिव था वो था रेप अटेम्प्ट। मीरा एक साइकोपैथ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो गया था। फिर भी मैंने डॉक्टर राधा को इसलिए अरेस्ट किया कि कातिल की आगे की और पीछे की सारी कहानी मालूम हो सके। थैंक यू। मीरा नाम की ही लड़की ने इस कत्ल को अंजाम दिया है। वो एक साइको है ये कहा जा रहा है। इसके साथ कोई भी कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। इसलिए कोई भी इन्हें देखे तो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कीजिए, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। और हमें पता चला है कि वो एक मशहूर डायरेक्टर राजन के कार में गई है। अगर आपको कोई भी सूचना मिले तो तुरंत पुलिस स्टेशन को सूचित कीजिए। ए, ए, कहाँ जा रही है? ए, मैंने बोला आजा, कहाँ भाग के जाएगी? Hey!
ए, तू बचकर अंदर कैसे आ गया? मैं बच के आ गया इसलिए तू बच गया, समझा? क्या बक रहा है तू? अरे वो लड़की साइको है, मैंने अभी न्यूज में देखा। थोड़ी देर पहले तक तू पागल था, अब वो लड़की साइको बन गई। हाँ अरे मैं जो बोल रहा हूँ उसका यकीन करो यार। क्या यकीन करूँ तेरा, मिनट मिनट में तू अपनी बात से बदल जाता है, पूरा पागल है रे तू। ए, नहीं, 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 नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ, वो लड़की साइको है। मुझे अरे वो पहले भी पटर कर चुकी है, वो अपने डायरेक्टर को मार चुकी है, समझ में सुनो तेरी तो। देखो देखो मेरी बात, मेरी बात सुनो तो। ए नहीं नहीं, वहां मत जाओ। मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझसे टकराएगा। यहाँ बैठी है। मुझे मारना मत, मारना मत मुझे। हिम्मत रखो, पकड़ लो।
सर, मुझे भी ऑटोग्राफ दीजिए ना। प्लीज सर, प्लीज सर, मुझे भी दीजिए ना। सर, प्लीज 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 सर, प्ली